हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अजीम स्मार्ट एजुकेशन में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर को लेकर। देखिए, ये वैकेंसी आप देख सकते हैं एसएससी का जो लोगो है, उसके अलावा इसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि क्या डेट रहने वाली है, क्या कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, इसके साथ ही साथ क्या एग्जामिनेशन को क्या पैटर्न क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगी और इसमें सिलेबस का पूरा समझाएंगे हम आपको। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, देखिए कंप्लीट को समझाने वाले हैं, इसको पूरा आपको समझाएंगे, फिर इसके बाद आप देखिए हम बात करेंगे। तो देखिए, ऐसे स्टेनोग्राफर को अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं पूरा वैकेंसी। अगर आपके पास 10+2 है, आप 12th स्टैंडर्ड्स में हो या पास हो 10th 12th, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसमें जो डेट है 26 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2024 तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी बात करें, देखिए जो फीस की भी डेट रह गई है, अगर आप फॉर्म फिल करते समय कोई मिस्टेक कर देते हो तो करेक्शन विंडो भी क्या है 27 अगस्त और 28 अगस्त, दो दिन आपको ओपन रहेगी। ठीक है, अब बात करेंगे टोल फ्री नंबर है, इसमें भी आप देख सकते हैं। वैकेंसी की बात कर लेते हैं, टेंटेटिव वैकेंसी रहने वाली है, इसमें 2006 वैकेंसीज रहने वाली। देखिए, इसके अंदर आप बात करें रिजर्वेशन भी दिया जाएगा आपको, रिजर्वेशन एससी एसटी का भी है। ये बॉक्स में आप देख सकते हैं, जैसे स्टेनो ग्रेड सी और स्टेनो ग्रेड डी के अंदर वैकेंसी है, ये भी आप कंप्लीट देख सकते हैं, ये आपको रिजर्वेशन है। अब बात करें, देखिए इसमें नोटिस का आगे पढ़ लेते हैं हम। नोटिस में बात करें कि है ना, जो नेशनलिटी या सिटीजनशिप, अगर आप इंडियन हो तो फॉर्म फिल ही कर सकते हो। अब बात करें इसमें नेपाल और भूटान के भी क्या है एसएससी इंक्लूड कर लेते सब्जेक्ट है, उनको भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, बात करें एज लिमिट की, एज लिमिट आपकी एज लिमिट के जो एज की गणना है 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। इसके अंदर आपको देख सकते हैं आप क्या, अगर आपको दो वैकेंट पोस्ट है ना, एसएससी स्टेनोग्रेड सी और स्टेनोग्रेड डी दो है, उनके लिए एज भी अलग अलग दी जाएगी। अब अगर आपके 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप इसका फॉर्म दोनों में किसी भी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें, देखिए जब सबसे पहले बात करें एसएससी स्टेनो ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल तक, और इसमें अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2024 को क्या की जाएगी, एज की गणना की जाएगी, और आपका जन्म क्या है 2 अगस्त 1994 से पहले का बाद का है और 1 अगस्त 2006 का पहले का है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं ग्रेड सी का। अब बात करें स्टेनो ग्रेड डी की, बात करें अगर ग्रेड डी की बात करें, देखिए 18 से लेकर 27 साल तक इसमें एज दी जाएगी आपको। इसके अंदर आप देखिए 1 अगस्त 2024 का आपकी एज की गणना की जाएगी, और आपका जन्म की बात करें डेट अगर 2 अगस्त 1997 के बाद और 1 अगस्त 2006 से पहले का आपका जन्म है, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, ये जो एज रिलैक्सेशन है उसमें दिया जाएगा, एससी एसटी के लिए 5 साल 3 साल 10 साल इस तरह का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, सभी को आपको पता ही है आपका। देखिए, आप बात करें एक्सपीलेशन, देखिए एक सर्विसमैन के लिए भी दिया जाएगा। अब बात करें, देखिए पूरा हम आपको समझाने वाले हैं, ये नोटिफिकेशन आपको देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन की स्लाइड चल रही है इसमें। इसके अलावा देखिए, अप्लाई किस करना है आपको, एसएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप जाना है, आपको अप्लाई कर देना है, और आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसमें फीस की, बात करें फीस आपको जो 100 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है, किसके लिए 100 रुपये फीस रहने वाली है, देखिए ठीक है ना। अब बात करें जो एससी एसटी उनों के लिए फ्री रहने वाला है। ठीक है, 100 रुपये फीस की भी देख सकते हैं, फीस बता दी गई यहाँ पर, जो करेक्शन विंडो है उसके लिए भी डेट बता दी गई कि क्या डेट रहने वाली है, 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक करेक्शन विंडो भी ओपन रहेगी। अब बात करें इसके अलावा, देखिए जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आपने एसएससी का फॉर्म फिल करा तो आप जानते ही हो इसके बारे में कि आप किस 28 राज्य और 8 यूटी उनमें किसी भी स्टेट से हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। किस स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर होगा वो भी आप यहाँ पर सिटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, बात करें देखिए इसमें आपको बात करें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी सेलेक्ट स्कीम में कैसे क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर आएंगे, कितने क्वेश्चन, कितने नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है, कितना टाइम दिया जाएगा, ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के अंदर कितना है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 50 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 50 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और जो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी कॉम्पिटिशन है वो आपको 100 मार्क्स का होगा और 100 नंबर दी जाएगी। ठीक है, अब बात करें 2 घंटे का टाइम देगा, 2 आवर्स
अब बात करें, देखिए ये बात करें, इंक्लूड सिलेबस में आप देख सकते हैं क्या है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, ठीक है। अब बात करें स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफर में देखिए सब क्या आपको जो स्टेनोग्राफ की स्किल टेस्ट होगी वो कैसे होने वाली, देखिए स्टेनो ग्रेड डी के लिए आपको इंग्लिश में 50 क्या है 50 मिनट दी जाएगी आपको, और आपको देखिए मिनट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरा जब हिंदी के अंदर भी है, इंग्लिश के अंदर भी है, और इनफाप सी है ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी दोनों के लिए दे रखा है आपको स्किल टेस्ट, है ना। अब बात करें एडमिशन ऑफ टू द एग्जामिनेशन, ये आ गया अब डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये भी हम बता देंगे आपको, ये आपको आधार कार्ड, डॉक्टर आईडी, वोटर आईडी या पैन कार्ड जो भी आप चलेगा, ठीक है। अब बात करें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी बोलते हैं इसको, अब ये आ चुका है। इसके अलावा पूरा जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, अगर आप क्या है अनरिजर्व यानी अनरिजर्व जनरल में हो तो आपको 30% मार्क्स लाना है, और अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हो तो 25% मार्क्स, और ऑल द कैटेगरी 20% मार्क्स, जो बाकी कैटेगरी उनके लिए 20% लाना है, ठीक है। इसके अंदर अब बात करिए देख सकते हैं आपको ये दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा नोटिफिकेशन हम आपको समझाने वाले हैं, इसमें आपको बिल्कुल अगर इस वैकेंसी को लेकर कोई भी डाउट आता है, कोई भी परेशानी होती है तो प्लीज हमारे वीडियो में कमेंट करें और हम आपको समझा देंगे। ऐसे हमने पूरा समझा दिया आपको ये नोटिफिकेशन, आप फॉर्म फिल करना तो आप एक बार खुद भी आप पूरा रीड आउट कर लेना फिर, ठीक है, और उसके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।